आज हम बनाने जा रहे हैं केले का सब्जी। पहले हम इस केले को इस तरह से छील लेंगे। छीलने के बाद इसको हम पीस पीस में इस तरह से काट लेंगे। काटने के बाद हम इसको अच्छे पानी में इसको 20 से 25 मिनट के लिए डाल देंगे। उसको हम 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद उसको हम इस तरह से, देखिए इस तरह से ये पानी निकलता है। अब इस पानी को हम फेंक देंगे और साफ पानी में इसको हम डाल देंगे। उसके बाद 1 चम्मच बेसन, मैदा, एक चम्मच लहसुन, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच मिर्ची पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आप अपने स्वाद के अकॉर्डिंग उसमें नमक डाल दीजिएगा। सारे चीज़ डालने के बाद इसको हम मिला देंगे अच्छे से। इसको हम हाथ से मिलाएंगे ताकि ये मसाला पूरा इसमें फैल जाए। अब तेल गरम करना है और उसको एक एक पीस को उठा के तेल में डालते हुए रखना है। इस तरह से हम उसको एक एक करके डालते जाएंगे। तेल हमारा गरम रहना चाहिए। उसके बाद इधर तब तक हम प्याज, मिर्ची और टमाटर को काट करके हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तब तक इधर मेरा सारा पीस तल करके रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे लेंगे मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लहसुन का पेस्ट और हल्दी पाउडर। प्याज भी इस तरह से बारीक काट करके हम रख लिए हैं। अब कढ़ाई में जीरा और मेथी का हम तड़का लगाएंगे। देखिए इस तरह से मेरा यहाँ पे जीरा और मेथी चटक चुका है। इसमें अब हम प्याज डालेंगे। मैंने जितना प्याज काटा था सारे प्याज को इसमें अब डाल दिए और इस तरह से इसको 5 मिनट के लिए हम इसको तेज आंच पे इसको भूनेंगे। उसके बाद जितना हम मसाला लिए थे सारे मसाले को इसमें डाल देंगे और साथ में प्याज, टमाटर और मिर्ची जो पेस्ट तैयार किए थे उसको भी डाल दिए। और इस तरह से सबको हम 5 मिनट से 7 मिनट के लिए इसको हम भूनेंगे तेज आंच पे। नमक दे देंगे इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। देखिए ये हमारा मसाला तेल छोड़ने लगा है। ये उसके बाद हम पानी डाल देंगे। जब हमारा मसाला भुन जा जाएगा तो हम अपना पानी डाल देंगे जिसमें कि सारे पीस अच्छे से डूब जाए। इस तरह से हम सारे पीस को इसमें हम डाल देंगे। सारा डूब जाना चाहिए और 5 से 7 मिनट तक इसको हम तेज आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। बाद में इसे गरम मसाला हम डाल करके 5 से 7 मिनट के लिए हम तेज आंच पर हम इसको पकाएंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है। मेरा ये बन करके रेडी है और इसको वाओ हम प्लेट में इस तरह से परोस दिए हैं। देखिए क्या यम्मी लग रहा है, वह ना बहुत टेस्टी।